चलो आइनू को आज एक कहानी सुना के आते हैं। अरे आप? हाँ मैं, और आप कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छे हो? मेरे को आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी इसलिए मैं आ गई। आप क्या कर रहे थे? प्यारी प्यारी बर्ड्स को देख रहा था। बताओ कहाँ है बर्ड्स? हाँ चलो आज एक बर्ड्स पे एक स्टोरी बताओ। अरे वाह, बर्ड्स की स्टोरी मिलेगी। एक समय की बात है, एक क्रो था जो उड़ते उड़ते झील के किनारे पहुंच गया। वह झील के किनारे पहुंच के उसकी नजर पड़ती है स्वान पे। वह स्वान को देख के उसके मन में एक ख्याल आता है। कौन सा ख्याल? उसके मन में ख्याल आता है कि स्वान तो कितना खूबसूरत है, उसका तो कितना सफेद कलर है, उसके फर तो बहुत अच्छे हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यही ख्याल वह स्वान को बताता है। फिर स्वान अपना ख्याल बताता है। स्वान कहता है कि मेरे लिए तो खूबसूरत पैरट है। क्रो पूछता है कि क्यों, पैरट तुम्हारे लिए खूबसूरत क्यों है? तो स्वान कहता है, मेरे पास तो सिर्फ एक कलर है, मैं तो बेरंग हूँ, एक सफेद कलर है मेरे पास, लेकिन पैरट के पास तो दो कलर है, ग्रीन और रेड। तो मेरे लिए वह सबसे खूबसूरत बर्ड है। यह सुनकर क्रो फिर फ्लाई करके आगे जाता है और वह रास्ते में देखता है एक पैरट को और उसे स्वान की बात याद आ जाती है। वह पैरट से बात करने के लिए रुक जाता है और वह पैरट को बताता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास तो दो कलर हैं, कितने खूबसूरत हो तुम। मैं तो देखो, मैं तो ब्लैक कलर हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो पैरट बताता है कि मेरे लिए खूबसूरत तो पिकॉक है। पिकॉक? हाँ पिकॉक है, क्योंकि पिकॉक में बहुत सारे कलर हैं और वो दिखता बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो पिकॉक सबसे ज्यादा खूबसूरत है पूरी दुनिया में, मेरे पास तो सिर्फ दो कलर हैं, उनके पास तो बहुत सारे कलर हैं। यह सुन के क्रो फिर सोचने में लग जाता है कि हाँ पिकॉक भी बहुत खूबसूरत है, ये बात तो सही है। पिकॉक? हाँ पिकॉक। यह सोचते हुए क्रो उड़ जाता है और वह आगे जाता है तो उसे पिकॉक दिखता है। पिकॉक एक केज में बंद रहता है। केज में? केज में? हाँ केज में। और क्रो उसके पास जाता है और वह कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास इतने कलर्स हैं, मैं देखो तो मैं ब्लैक कलर है, मैं तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे अपना कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो भगवान ने क्या बनाया पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो बहुत खूबसूरत बनाया है। तो पिकॉक कहता है, मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तुम हो, मैं अपनी खूबसूरती को मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो क्रो कहता है कि क्यों, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे तो इतने कलर्स हैं, कितने खूबसूरत दिखते हो, जैसे ही तुम अपने पंख फैलाते हो तो कितने खूबसूरत लगते हो। तो पिकॉक कहता है, ये खूबसूरती की वजह से मैं आज केज में बंद हूँ, तुम सबसे सुखी बर्ड हो, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी उड़ सकते हो, कोई तुम्हें पकड़ता नहीं है, लेकिन हमें हर कोई पकड़ के केज में बंद कर देता है। यह सुन के क्रो सोचने लगता है कि हाँ मैं कितना सुखी बर्ड हूँ, मेरे को कोई नहीं पकड़ता, मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी उड़ के जा सकता हूँ। क्रो कहता है कि मैं कितना फुलिश था कि मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये है हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी।
कि हमें खुशी अपने मन से ढूंढनी चाहिए, ना कि किसी से कंपेयर करके हमें अपने मन की खुशी ढूंढनी चाहिए। हम जैसे हैं, हम जिसमें हैं, हम उसमें सुखी हैं और खुश हैं, और हमें उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी थी स्टोरी? बहुत अच्छी। बाय बाय। हम अगले हफ्ते फिर एक नई स्टोरी के साथ आएंगे।